सब्सक्राइब कीजिए आर के शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। वेलकम इन आर के शॉर्ट हैंड और आज इस वीडियो में हम देखेंगे द शैन हुक चैप्टर नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आज देखेंगे शन। अब ये वेरियसली स्पेल्ड भी किया जाता है, यहाँ पर हम उसके एग्जांपल्स लिखेंगे। यहाँ पर इतनी तरह से शन को स्पेल्ड भी किया जाता है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे शन को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे। अगर आपको शन यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किसी भी वर्ड्स में, तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे विथ लार्ज हुक। लार्ज हुक के थ्रू हम शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर ज़रूरत पेश आती है रिक्वायर्ड एज अ रिक्वायर्ड एस, तो यहाँ इसके लिए हम सर्कल एस भी ऐड कर सकते हैं इस शन हुक में। सर्कल एस। यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल शन हुक के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे नो शन। अब हमें किस तरह से लेना है लार्ज हुक्स के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से यू नो विथ लार्ज हुक नो शन। अब अगर हमें सर्कल एस की रिक्वायर होती है तो किस तरह से उसमें ऐड किया जाएगा नो शंस। सेम उसी तरह से बनाना है आपको नोशन एड सर्कल एस नोशंस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कॉशन। कॉशन अब यहां पर आएगा आपका सर्कल एस कॉशंस। तो यहाँ पर आपको उसी तरह से ऐड करना है सर्कल एस कॉशंस। अब देखेंगे यहाँ पर हम कर्व्स के अंदर इनसाइड द कर्व शन हुक किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखेंगे फैशन। लार्ज हुक फैशन पर हम एग्जांपल देखेंगे सर्कल एस के बारे में फैशन फैशंस। अब यहां पर आपको इसी तरह से सर्कल एस ऐड करना है फैशंस। नेक्स्ट मोशन। लार्ज हुक मोशन। नेक्स्ट अब देखेंगे हम नेशन। नेशन नेक्स्ट नेशंस। नेशंस अब यहाँ पर हम जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं, यहाँ पर हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में देखेंगे कि उसको जिस तरह का इनिशियल अटैचमेंट्स हो सकता है वो किसी तरह का भी टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इनिशियल अटैचमेंट सर्कल लूप और हुक किसी भी तरह का हो सकता है इनमें से तीनों में से इनिशियल अटैचमेंट। तो इन तीनों में से सर्कल लूप और हुक किसी भी तरह का इनिशियल अटैचमेंट आता है तो किस तरह से हम ऐड करेंगे उसको शन हुक। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें से जिस भी तरह का आपको इनिशियल अटैचमेंट मिलता है उसके आपको अपोजिट साइड में आपको शन हुक को लिखना है। अपोजिट साइड ऑफ इनिशियल अटैचमेंट्स। तो चलिए हम एग्जांपल्स में देखेंगे यहाँ पर किस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइटेशन।
अब यहाँ पर आपको इनिशियल अटैचमेंट मिलता है आपको सर्कल का, तो देखिए किस तरह से आ रहा है आपका इनिशियल अटैचमेंट। इस साइड से आ रहा है साइट ए, ये हो चुका है आपका शन, अपोजिट साइट। किसी भी तरह से जिस तरह का भी आपका इनिशियल अटैचमेंट होगा, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे सेक्शन, सेक्शंस देखेंगे। अब इसमें भी आपको सर्कल मिलता है इनिशियल अटैचमेंट, तो जिस भी साइड में आपका इनिशियल अटैचमेंट है उसकी अपोजिट साइड में आपको शन हुक ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए किस साइड में आपका सेक्शन, ये हो चुका है आपका सेक्शंस, सेक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेशन, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें अपोजिट साइड में इनिशियल अटैचमेंट के, यहाँ पर हुक की इनिशियल अटैचमेंट है आपको, इसके भी आपको अपोजिट साइड में हुक करना है शन का। अब यहाँ पर हम देखेंगे शन हुक को राइट मोशन एंड लेफ्ट मोशन में किस किस फॉर्म में यूज़ करना है। देखेंगे कि राइट मोशन में किस तरह से डाउनवर्ड आते हुए एंड अपवर्ड में लेफ्ट मोशन, यहाँ पर हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राइट मोशन का एग्जाम्पल अफेक्शन में, यहाँ पर आपको राइट मोशन से लिया गया है शन हुक अफेक्शन। यहाँ पर हम ये राइट मोशन के एग्जाम्पल ले रहे हैं और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेफ्ट मोशन के भी लेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे ये इस तरह से डाउनवर्ड की तरह है, यहाँ पर आपको राइट मोशन यूज़ करना है अफेक्शन। अफेक्शन नेक्स्ट वैकेशन, इसी तरह से यहाँ पर भी राइट मोशन। अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट मोशन में किस तरह से लिया, यहाँ पर अपवर्ड किस तरह है, यहाँ पर आउटलाइंस है, तो चलिए देखेंगे कि सिलेक्शन सिलेक्शन यहाँ पर लेफ्ट मोशन में लिया गया ये अपवर्ड। नेक्स्ट सिलेक्शंस नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, यहाँ पर किसी भी तरह की सर्कल लूप और हुक की अटैचमेंट नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह से हुक को यूज़ करना है शन हुक को, तो यहाँ पर आपके वॉवल्स के हिसाब से उसकी अपोजिट साइड में आपको शन हुक ऐड करना है। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल पैशन, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एक्शंस, एक्शंस। और चलिए हम देखते हैं अब यहाँ पर आपके स्ट्रोक्स, टी डी एंड जे, अगर इन तीनों वर्ड्स के साथ आपको आता है शन हुक यूज़ करने के लिए किसी भी तरह से आगे आउटलाइंस में, तो वो आपका यूज़ होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में यहाँ पर इसको ड्रॉ किया जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम यहाँ पर दो तीन, रोटेशन, यहाँ पर टी यूज हुआ है। नेक्स्ट नोटेशन, ग्रेडेशन,
अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे शन हुक फॉलोइंग सर्कल्स एस एंड एन एस। अब किस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, शन हुक फॉलोइंग सर्कल्स एस एंड एन एस। तो अब यहाँ पर आपका जो सर्कल एस और एन एस है तो वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम शन हुक के साथ में अगर आपको एस और एन एस सर्कल भी आता है तो किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर आपको स्मॉल हुक यूज़ करना है, तो चलिए एग्जांपल देखिए। डिसीशन आपका डिसीश इस तरह से बनाने के बाद विद द सर्कल के इस मोशन से आपको डायरेक्ट स्मॉल एक हुक करना है, डिसीशन। नेक्स्ट डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन इस तरह से आपको हुक करना है आगे, एक स्मॉल हुक सर्कल के आगे। यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं स्मॉल हुक फॉर शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम थर्ड प्लेस वॉवेल अगर आता है तो किस तरह से उसको एक्सप्रेस्ड किया जाएगा आउटसाइड द हुक। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे ट्रांसिशन। ट्रांसिशन आउटसाइड द हुक यहाँ पर आपको ऐड करना है थर्ड प्लेस वॉवेल। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन थर्ड प्लेस वॉवेल आउटसाइड द हुक। नेक्स्ट देखेंगे हम फिजिशियन, अब आपने इस तरह से यहाँ पर देखा स्मॉल हुक फॉर शन। अब जो आपने स्मॉल हुक देखा इसके आगे भी एस ऐड किया जा सकता है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम जिस तरह से पोजीशन देखा, पोजीशन आता है तो किस तरह से आप ड्रॉ करेंगे उसको। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम एग्जांपल पोजीशंस। तो आपको ने जो आप जो स्मॉल हुक यूज़ करेंगे आपको उसके आगे एस सर्कल एस ऐड करना है। पोजीशंस, नेक्स्ट ट्रांसिशंस, इस तरह से आगे आपको स्मॉल सर्कल एस ऐड करना है शन हुक में। शन हुक मिडली किस तरह से यूज किया जाएगा, शन हुक को आप मिडली भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ एडिशनल। तो यहां पर किस तरह से आपको करना है, यहां पर आपको शन हुक ज्वाइन करने के बाद एल उसको ज्वाइन करना है। एडिशनल, नेक्स्ट एक्शनेबल, ये एक्शन एबल। डिवोशनल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे पोजिशनल। इसी तरह से आपको पोजिशनल नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसिशनल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स है वेशन यूशन, अगर आता है आपका वर्ड्स एंडिंग में तो किस तरह से आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे एक्सटेन्यूशन किस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर आपने डिफथोंग यूज किया गया है, ये इस तरह से लिखा गया, लेकिन बट अगर एक्सटेंशन आता है तो किस तरह से आप शन वाला हुक यूज करेंगे यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम इंट्यूशन। बट नोटेशन यहां पर शन हो, इन एग्जाम्पल्स के साथ यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 16 द शन हो यहां पर कंप्लीट हो चुका है।